फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरी बाय विल होता है, कैसे होता है फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरी बाय इंडिविजुअल आयन और सिंगल आयन, तो किसी विशेष आयन के द्वारा मतलब करंट का जो फ्रैक्शन कैरी किया जाता है, करंट का जो भाग कैरी किया जाता है उसको ट्रांसपोर्ट नंबर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एनसी यूसी यूसी अपॉन यूके एनके यहाँ पर यूके जानना फ्रैक्शन ये एनसी प्लस एनए इक्वल टू वन होगा। आपको बताया गया फ्रैक्शन का सम हमेशा एक आता है। हमारे यहाँ पे मार्कर है, इसको तोड़ दें, एक टुकड़ा कर दें, दो टुकड़ा कर दें, तीन टुकड़े कर दें, जितने टुकड़े चाहे कर दें, लेकिन जोड़ेंगे वैल्यू एक ही आएगी, एक ही मार्कर बनेगा। तो फ्रैक्शन का सम हमेशा एक आता है। यहाँ पर इधर देखना ट्रांसपोर्ट नंबर जो है ये साइज ऑफ आयन के डायरेक्टली क्वेश्चन होगा। साइज ठीक है ऑफ आयन के डायरेक्टली चार डेंसिटी के ओवर स्पीड क्वेश्चन होगा। कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग से क्वेश्चन होगा। इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेंपरेचर फॉर वन साल का तो भैया जहां पर कैटायन और एनायन का रेशियो वन इज टू वन जैसे एनएसीएल है तो एक सोडियम है एक क्या है सीएल का है वन साल। ठीक है यस सर। ट्रांसपोर्ट नंबर इंक्रीजेस विद टेंपरेचर अप टू 2.5 देन डिक्रीजेस। मतलब ध्यान रखो पहले सुनो वन मंथ जैसे ट्रांसपोर्ट एनएसीएल का ट्रांसपोर्ट टू नंबर मान लो 0.3 है ठीक है इसको टेम्परेचर रहोगे 0.5 तक पड़ेगा उसके बाद नहीं पड़ेगा ठीक है अब यहाँ पर ध्यान दो एक बार एआई ट्रिपल ई में एक क्वेश्चन पूछा गया था सर एक बार एआई ट्रिपल ई में एक क्वेश्चन पूछा गया था ध्यान देना क्वेश्चन क्या था दो बार एक क्वेश्चन पूछा गया है एल आई सी
किसका ट्रांसपोर्ट नंबर सबसे अलग है? तो सीएल को सीएल सभी में है, सभी के साथ सीएल है ना, कहीं यहाँ सीएल है, सीएल सबको हटा दो, तो लिथियम सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम आप ग्रुप में नीचे जा रहे हो, ग्रुप में, तो ग्रुप में नीचे आने पर साइज क्या होती है, बढ़ती है, तो साइज बढ़ती है तो ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर साइज सबसे ज्यादा जरूरी है, एक बार क्रम पूछा गया था तो बढ़ते क्रम में लिखा गया है, और एक बार ये पूछा गया था किसका ट्रांसपोर्ट नंबर सबसे अधिक है, तो किसका अधिक है, आरबीसीएल, आरबीसीएल का अधिक, किसका अधिक है, आरबीसीएल, आरबीसीएल का अधिक। कितना हो जाएगा
ठीक है। तो ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा दिया पूरा, कोई डाउट किसी को हो तो आप हमें बता सकते हो। भैया
यस ए देखो डब्ल्यू क्या है, एक और डब्ल्यू इसी के नीचे लिखा है क्राउन क्राउन यस देखो जहां जहां पे जोड़ा है वहां पर सब करो आठ सब करोगे ना बैलेंस कितना है यार दो दो क्यों क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन से या एक सब और आपसे इस नंबर आपसे इस नंबर इसका मतलब कार्बोजन निकाल दो कार्बोजन निकाल दो। जब कोई दो एलिमेंट आपस में जुड़े तो वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा, उन दोनों का जीरो होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा। तो जब अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा तो कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका स्पेक्ट्रम जो है क्राउन से या इसको पकड़ स्पेक्ट्रम बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जब पूछा जाए एसपीपी हाइब्रिडाइजेशन है ना एसपीपी देखो एक पेयर दो पेयर दो पेयर हो गए दो सल्फर के पास दो पेयर कितने काम से इसमें से चार दो शेयर ही नहीं किए थे एक पेयर दो पेयर तीन पेयर चार पेयर। ठीक है, क्या हो सकता है जीरो ऑल इनर डिफरेंस
फॉर इनर्टनेस। वो तो कुछ नहीं सकता, लिखा है ना कैन नॉट बी जीरो, फ्रैक्शनल पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब साइन लेस होगा। तो फिर आपसे कहते हैं वो क्या सकता है, तो जीरो हो नहीं सकता, लेकिन इनर्टनेस में तो हो ही सकता है, फ्रैक्शनल तो किसी भी नहीं होगा, चार्ज लगाएंगे नहीं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए, कभी कभी इस तरह का पूछ लेते हैं। मिनिमम
आठ से ज़्यादा नहीं हो सकते, आठ से ज़्यादा नहीं हो सकते, बैलेंसिंग आठ से कम नहीं हो सकते, आठ से कम नहीं हो सकते। यस, और ऑक्सीडेशन नंबर वो भी आठ नहीं हो सकता, आठ दो एलिमेंट ल्यूथेनियम और ऑस्मियम, ठीक है। Yes. तो ये बैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस था, आपको ये फाइंडिंग मिलेगा। Yes, sir. मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर प्लस के फॉर ऑस्मियम एंड ल्यूथेनियम, ज्यादातर ऑस्मियम ऑप्शन में मिलता है, कौन होता है ज्यादातर ऑस्मियम। इक्वेशन दो बार पूछा गया है, एक बार सीबीएसई पेपर में और एक बार दोनों बने हुए प्रदान करते हैं, ठीक है। तो यस सर, तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, यहां पर ऑक्सीडेशन बाय ओल्ड कॉन्सेप्ट, बाय ओल्ड कॉन्सेप्ट removal of hydrogen or electropositive reaction, yahan pe combination of electronegative atom or oxygen, to electronegative atom ya oxygen ka removal combination of reflux of oxygen IV, combination of reflux of electronegative of oxygen क्या
का दो हो गया कम हो गया सीएल इलेक्ट्रॉन गेट पर का मैं कम हो गया तो रिडक्शन एसएनसीएल 2 एसएनसीएल 4 हो गया तो सीएल 2 से 4 हो गया इसे पूछा होगा मैडम बड़े क्या ऑक्सीजन अच्छा क्या हो गया ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहां पर
मॉडल काउंसिल। ऑब्जर्वेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर डी इलेक्ट्रोनेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर डी इलेक्ट्रोनेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर डी इलेक्ट्रोनेशन पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इलेक्ट्रोनेशन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इलेक्ट्रोनेशन ठीक है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इलेक्ट्रोनेशन ये नेगेटिव चार्ज इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन तीनों जगह मिला जीरो से एक पॉइंट चार्ज हो गया एक से दो पॉइंट चार्ज हो गया पॉइंट चार्ज बढ़ रहा है यहाँ पर टी माइनस चार्ज से जीरो हो गया निगेटिव चार्ज घटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की हो जाना चल रहा है यहाँ पर जीरो से एक निगेटिव चार्ज एक निगेटिव से दो निगेटिव और यहाँ पर आज तीन पॉइंट हो सके न्यूट्रल तो क्या हो रहा है रिडक्शन रिडक्शन हो रहा है क्या लगता है यस सर एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था losses 3 electron to form the total what will be its oxidation number जीरो जीरो
सारे था, तीन और लास्ट कर लिया तो छः हो गया। यहाँ पर देखो एक प्लस था, एक और काम करता तो दो प्लस हो गए। लास्ट का मतलब क्या निकलता है, तो तीन प्लस दो पहले से था और तीन काम निकाल भी दिया तो चार कितना हो जाएगा, तो आप इस जीरो इसलिए पहले दिया फिर थोड़ा बाद में दिया। तो चलो कल हम लोग पढ़ेंगे इसके डिटरमिनेशन ऑफ चर्चा कल होगा ना क्या, तो कल कोशिश करेंगे मतलब नेक्स्ट डे कल बंद है ना, अरे ठीक है परसों है, तो परसों कोशिश करेंगे कि रिटार्ट से मतलब ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको सिखा देंगे, ठीक है ठीक है।